बुधवार को खजराना थाना क्षेत्र में एक महिला को अवैध हथियार की खरीद फरोख्त करते हुए पकड़ा गया। खजराना पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक महिला अवैध हथियार की खरीद फरोख्त करने के लिए खड़ी हुई है, जिसके बाद खजराना थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने उप निरीक्षक रामबाई भट्टी, महिला आरक्षक सुमन, आरक्षक लोकेंद्र शशांक और पंकज की टीम गठित की। टीम ने 23 वर्षीय महिला आरोपी निकिता, पति दीपक पवार निवासी ग्राम नारियाखेड़ा थाना बरोठा जिला देवास, जो वर्तमान में इंदौर की फिनिक्स सिटी लसूड़िया में रह रही थी, को घेराबंदी कर पकड़ लिया। टीम ने महिला की तलाशी लेते वक्त एक विदेशी पिस्तल महिला के पास से बरामद की। महिला पर 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। साथ ही महिला से अवैध हथियार के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की जा रही है। ये हमारी टीम को सूचना मिली थी मुखबिर द्वारा कि एक युवती है निकिता पवार, और ये अवैध जो है पिस्तल लेकर रोबोट चौराहे पर खड़ी है। इस सूचना पर महिला उप निरीक्षक आर वी भट्टी के द्वारा दबिश दी गई मौके पर, और ये युवती जो है निकिता को गिरफ्तार किया। इसके पास से एक पिस्तल बरामद हुई है। पिस्तल के बारे में जानकारी लेते ही बता दी है कि अभी इसका एक जीजा है जो कि जितेंद्र कुंभकार नाम बता रही है, उसके द्वारा इसको दी गई थी। उस संबंध में भी हम और साक्ष्य जुटा रहे हैं। महिला का भी हम लोग पुलिस रिमांड भी कल माननीय न्यायालय से मांगेंगे और इसकी तह तक पहुँचेंगे कि पिस्तल कहाँ से आई और ये किसको देने जा रही थी। ये जो युवती है ये पहले बैंक बजाज फाइनेंस में काम करती थी, अभी सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रही है ये। और इसके द्वारा बताया गया कि पैसों की कमी के चलते इसने अपने जीजा के कहने पर ये काम करने के लिए राजी हुई। इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी सामने नहीं आया है, फिर भी अभी हम लोग पता कर रहे हैं। थाना लसूड़िया क्षेत्र की रहने वाली है और इसके बारे में जो भी जानकारी मिलेगी और इस नेक्सस को भी हम लोग तहस नहस करेंगे, जो कि युवती के माध्यम से इस तरह के अवैध हथियार को बेचने का कार्य कर रहे हैं।